यूपी पुलिस, जिसके सामने वैसे तो आईबी से लेकर एनआईए बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियां थे, लेकिन उसी यूपी पुलिस के सामने एक ऐसा केस आया जिसे देखकर पुलिस वाले सकपका गए और माथा पकड़ के बैठ गए और कहने लगे कि अब करे तो क्या करे, जाए तो जाए कहां। दरअसल मामला कानपुर के प्रसिद्ध भैरव मंदिर का, जहां दर्शन करने आए एक श्रद्धालु कांति शरण निगम ने ऑनलाइन FIR दर्ज कर, वो भी कोई ऐसे वैसे मामले में नहीं, चप्पल चोरी के मामले में FIR दर्ज कर। कांति शरण का कहना है कि जब वो दर्शन करके मंदिर से बाहर आए तो देखा कि मंदिर के बाहर से उनकी नई चप्पल गायब, जिसके बाद उन्होंने पहले आसपास देखा पर उन्हें अपनी नई चप्पल नहीं मिली और फौरन ही ऑनलाइन चोरी की FIR दर्ज करा दी। सर, पूरा प्रकरण ये कि आज सुबह 8 बजे मैं भैरव मंदिर गया हुआ था और भैरव बाबा के दर्शन किए, बहुत अच्छा अच्छा सब रहा, बहुत अच्छा गंगा जी के दर्शन हुए, गंगा जी का पानी देखा, बहुत खुशी हुई। लेकिन बस जब वापस आया तो मेरी एक नई चप्पल थी, वो मैंने डिटेल FIR में मेंशन की हुई है, वो वहाँ से मिस हो गई। और मैंने इसी संबंध में जब वहाँ दुकानदार से बात की तो उन्होंने कहा कि नई चीज़ें अक्सर गायब हो जाती हैं, कहाँ कोई ध्यान देता है। तो मैंने बस इसी पॉइंट को पकड़ा और मैंने घर जा कर के ऑनलाइन FIR दर्ज करवाई है। और इसमें FIR में आप देख सकते हैं, यहाँ पे राजेश कुमार चौगसिया उपनिरीक्षक ई थाना प्रभारी मेंशन हुआ है। तो मुझे अब उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश पुलिस से कि मंदिरों के बाहर जो भी ऐसा कोई गैंग सक्रिय है जहाँ पे चोरी चमाई की घटनाएं होती हैं उन पे एक्शन होगा, और अगर सख्ती से कार्रवाई हुई हो सकता है कि मेरी चप्पल मुझे बरामद हो जाए। सर, आज सुबह से बस ये गुस्सा था मन के अंदर कि वहाँ से आने के बाद मैंने अपने जो मार्केटिंग का मैं काम करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स अप्लायंस का, मैं आज वो भी काम नंगे पैर ही कर रहा हूँ। सर, चप्पल चोरी होने की FIR करने का विचार बस ये था कि मैंने अखबारों में पढ़ा है कि किसी नेताजी की भैंस चोरी हो जाती है, कहीं किसी की बकरी चोरी हो जाती है। आज एक लिखा था कि एक अफसर की एक घटना सामने आई, मैं आई से कुत्ते का बच्चा चोरी हो गया तो पुलिस ने ढूंढ के दे दिया था। जब इतना सब कुछ हो सकता है तो मैंने तो पूरी डिटेल्स में मेंशन की हुई है, उम्मीद है कि सर चप्पल बरामद हो सकती है, अपनी पुलिस पर इतना विश्वास है मुझे। बता दें कि इस मामले में पुलिस का कहना है कि चोरी चाहे छोटी या बड़ी चीज की हो, सभी को FIR दर्ज कराने का हक है। FIR कराने वाले भाई साहब से चप्पल का बिल मांगा गया, बिल मिलने के बाद चोर का पता लगाने की कोशिश की जाएगी। अब देखना होगा कि कांति शरण की चप्पल मिलती है या नहीं। कानपुर से रंजय सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।